साल पहले जो हुआ उसका भुगतान करोगे तुम? अम्मा जी किसने किया? बोलिए अम्मा जी, कौन आया था कमरे में? किसने लिखाई? बोलिए अम्मा जी, आप चुप का है? अम्मा जी आप ठीक तो है ना? पानी दो, पानी। हाँ। अम्मा जी कहाँ हुआ था 20 साल पहले? आपको हमें बताना ही होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। अम्मा जी, छोटे साहब की जान खतरे में, हमारा साथ जानना बहुत है जरूरी है, इससे पहले वो छोटे साहब को नुकसान पहुंचाते। अम्मा जी बोलिए। अरे तुम चुप करो, कुछ भी बोले जा रही हो, जाओ यहाँ से। आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर हमें सच का पता नहीं चला तो क्या होगा? हमारे प्लीज बता दीजिए ना, क्या हुआ था 20 साल पहले? छोटे साहब की रक्षा के लिए हमारा सच जानना बहुत है जरूरी है। अम्मा जी बोलिए प्लीज। अम्मा जी हमें सच बता दीजिए। देखिए ए पागल लड़की, जाके पागल खाने में ना पहले अपना इलाज करा। अरे पीछे अम्मा जी, हमारी बात निकल यहाँ से। अम्मा जी पीछे ही पड़ गई, निकल यहाँ से। हमें पता लगाना है ये सब के पीछे कौन है। क्या पता लगाना है? क्या पता ये सब तेरा ही किया धरा हो। सुबह सिंहासन जलाना चाहती थी, अभी तेरा कोई नया ड्रामा होगा ताकि 24 घंटे के बाद तुझे घर छोड़ के ना जाना पड़े। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना? पर महादेव जानते हैं कि हम गलत नहीं है। ये सब कुछ ना हमें छोटे साहब को दिखाना होगा, वहाँ पे भरोसा जरूर करेंगे, देखना। चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है, आइए हमारे साथ चलिए। अरे क्या कर रही हो महुआ, जो कहना यहीं पे कहो ना। आपको दिखाना बहुत है जरूरी, आप कह रहे हैं ना, चलिए हमारे साथ। ठीक नहीं होगा जी, समझे? आपकी जान खतरे में है और हम पे झूठा इल्जाम लगा है। उसे हम सबूत के साथ सच साबित करेंगे। चलिए आप हमारे साथ आइए। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम? जो हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, आप वो देखकर समझ जाएंगे कि हम सच कह रहे हैं। कौन है जो आपकी जान के पीछे पड़ रहे हैं? आइए हमारे साथ, देखिए देखिए। हो गया? इतनी रात में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे? काहे मिठाई आप? अम्मा जी हमें छोटे साहब को दिखाना था। कहा हो गया तो का बकवास की जा रही है? फिर से इसका एक नया पागलपन शुरू हो गया। अरे सम्मूत उसको लेकर जाए यहाँ से, ऐसे पागलों की तरह चिल्लाती हुई याद हम की है। अगर हमको दिल का दौरा पड़ जाता तो अंदर ही बकवास अपनी। और क्या दिखाना चाह रही थी तू? क्या दिखाना चाहती है? अम्मा जी आप झूठ का है बोल रही है। और बड़े साहब कहा? हम जानते हैं कि वही मिटाए हो। अम्मा जी आप सब सच का है छुपा रहे हैं। महुआ बस करो, बहुत हो गया। छोटे साहब हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हम देखे थे यहाँ लिखा था 20 साल पहले। बकवास बंद कर अपनी। अरे अपने पागलपन से सबकी नींद खराब करके रख दिया है, कड़ी कड़ी मुंह का देख रही है। चल जा यहाँ से। पर अम्मा जी आप सच कह रहे हैं? जा
महुआ बस करो, बार बार हमारे घर में डर का माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं। अरे अगर कुछ करना ही है तो अपनी बेगुनाही साबित करो ना। यू मनगढ़ंत कहानियां बंद करो बनाना। इससे भी बहुत कम समय रह गया तुम्हारे पास। हमारी दादी पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। दादी अब सो जाइए। लगता है बेघर होने के डर से ना तुम सच में पगला गई हो। वाला टली अम्मा जी, ऐसा काहे किया? बोलिए अम्मा जी, बोलिए। पीछे हटो तुम, पीछे हटो। और हमारे मामले में ना बोलना बंद करो तुम। चल जाओ यहाँ से। ऐसे में आप सब छोटे साहब की जान को और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं। अम्मा जी, छोटे साहब की रक्षा करनी है, प्लीज हमें सच बता दीजिए। हमारी हमें सच जानना बहुत ही जरूरी है। अरे अम्मा जी, आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ, बेकार की बातें करती है ये। अम्मा जी, आप सच नहीं छुपा सकती। अम्मा जी, हमें सच जानना है, आपको बताना ही होगा। अम्मा जी, आप हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। चुप, हम तेरी बातों में आने वाले नहीं है, समझे तू? चल निकल यहाँ से। अम्मा जी, हमारे साथ ऐसा काहे करे? अम्मा जी, हमारी बात तो सुनिए। अम्मा जी, शंभू जी, आपने सही किया। अब कल महुआ हवेली से बाहर जाएगी और शांति अंदर आएगी। कम से कम पूरा परिवार चैन के साथ तो लेगा। और इसी बहाने आपको और हमें कुछ वक्त साथ बिताने का मौका भी मिलेगा। शंभू जी, पत्नी है हम आपकी, अब तो हम एक बिस्तर पे सो सकते हैं ना? चलिए आप आइए हमारे साथ सोइए। बूदी जी क्या कर रहे हैं? हमने कहा ना नहीं, हम यहाँ अपने बिस्तर पे ही सो जाएंगे। नहीं शंभू जी, अब हम और नहीं सहेंगे। आपको ना हमारे साथ ही सोना होगा। चलिए। बूंदी जी, ये क्या करने जा रही थी? बूंदी जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपको बस पत्नी होने का हक दे सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते। तो ये फालतू की उम्मीद लगा के मत बैठिए। जाइए, सो जाइए। जब तक महुआ इनके आसपास भिन भिनाती रहेगी, ये उसे भूलने नहीं वाले। यहां से बहुत दूर भेजना होगा उसे। अम्मा जी, दरवाजा खोलिए। अम्मा जी, सच काहे नहीं बता दिया? अम्मा जी, दरवाजा खोलिए, काहे छुपा रही हैं आप भी सब? अम्मा जी, हमारी बात सुनिए। ठीक है, अपना ही बताएंगे तो फिर हमें अपने तरीके से सच निकलवाना आता है। हमें भरोसा है तुझ पे महुआ, अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हम। तू बस बता कि हमें क्या करना है। कल सारा सच सबके सामने आएगा, बस आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनिए।
लोगों का तामझाम है। इन्हें हम लाए हैं अम्मा जी। अभी का तमाशा है तेरा? पहली बार नौजवान पीढ़ी की महिला सरपंच होने वाली है। दुर्गा पूजा का आयोजन रखे माता रानी के आशीर्वाद के। ए, निकलो चलो यहाँ से, तो ना पूजा सीधा नहीं होगी यहाँ पे। चलो तो हम लेकर रहेंगे माँ, इन सबको खून के आंसू रुलाएंगे हम। ये घर हमरा है, हमरा हुकुम चलता है यहाँ पर। हमारी इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता। तेरी का औकात है? पूजा तो दुर्गा माँ की है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है आयोजन कौन किए हैं, हम या महुआ? दादी माँ ठीक ही कह रही है, वैसे भी भगवान के काम में हमें अपने आपस के मनमुटाव बीच में नहीं लाने चाहिए। पूजा तो करनी चाहिए। हर बार हमें मजबूर कर देता है, समझा ना? चल ठीक है। शुक्रिया दादी। अब सच का पता लगाने में और आपकी रक्षा करने में दुर्गा माँ ही हमारी मदद करेंगी। जैसे ही शंभू इस तार को पार करेगा वैसे ही हमारा हथियार उसके ऊपर गिरेगा और उसके बाद शंभू दो टुकड़ों में बट जाएगा। माता रानी हमरा साथ देना, जो हम करने जा रहे हैं उनमें सफल हूँ, कहे कि सब हम अपने सुहाग की रक्षा के खातिर कर रहे हैं। तेल शायद खत्म हो गया है, जरा रसोई घर से लेके आना। तो पद्मा। हाँ जी जी। देखना अभी तक नारियल भी नहीं आए, जरा देख के आना। तो अरे तो कौन ही आधा अधूरा पूजा का सामान इकट्ठा किया है? हाँ जब देखो हमको काम ही कराते रहते हैं सब। हाँ। दौड़ाते रहते हैं इधर से उधर। हाँ नहीं तो अब वो 20 साल पहले की सच्चाई बाहर लाने का समय आ गया है। दुर्गा दुर्गा
अब इस घर के चिराग को खत्म करने का समय आ गया है। कौन है? कौन है वहाँ? ए, ए, रुको रुको, कौन है वहाँ? हमारे नाम पर तेरा नामकरण हुआ था दुर्गा, हमारी सबसे बड़ी भक्त है तू। दुर्गा माँ का हमसे बात कर रही? ये कैसे हो सकता है? दुर्गा जानकी? जी अम्मा जी। जानकी तेरे को मूर्ति में से आवाज आ रही है का? आवाज? हाँ। नहीं तो अम्मा जी। नहीं अम्मा जी, हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं अम्मा जी। अच्छा, अच्छा ऐसा कर, वो पद्मा तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगी, तू जा जरा देख, और जाके तुम लोग भी प्रसाद की तैयारी करो। जाओ जाओ। चलो बीस साल पहले सही नहीं की थी तू, अपने पाप की सजा तो भुगतनी ही होगी। से पीछे मत भाग दुर्गा, अपना जुर्म कबूल कर ले दुर्गा। हमको माफ कर दो दुर्गा माँ, हम मजबूर थे, क्या करते हम? हमरा शक सही निकला, ये का मतलब 20 साल पहले कोनो पुराना राज है। कौन है यार? परेशान काहे दिख रहे हैं? हमें सब चिंता हो रही है, मऊआ सच बोल रही है और सचमुच में शंभू की जान को खतरा है, तो हमको सब कुछ इसको सच सच बता देना चाहिए। घटिया गए हैं आप, क्या बताएंगे आप उसको? आप तो थी ना वहां, आपने तो सब कुछ देखा था। वो औरत ने हमारे पति को अपने वश में कर लिया था। कि नाच नाच कर उसने हमारे पाप को ही नचा डाला। बाहरी औरतों का इस्तेमाल करना, उन्हें घर से बाहर रखना हमारी शान है। हमरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, वो औरत को गर्भवती कर दिए थे। वो सितारा अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समझी? वो पेट से है, इस हवेली को वारिस देने वाली है। वो वारिस हमरे बेटे बनेंगे और उसके बाद हमरा पोता शंभू, और कोई ना बनेगा। तू हमरा बात को काट रही है, मेरे सामने क्या बोला? सितारा का लौंडा ही बारिश बनेगा तो वही बनेगा बारिश। अपने बेटों और शंभू को उनका हक दिलाने के लिए हम ही सब किए थे। सब कुछ ही परिवार के लिए किए थे अम्मा, और क्या करते बताइए, क्या करते?
कोनो और रास्ता नहीं बचा था हमरे पास। ये कहां गई? कौन है? देखो हमने वास्तु उसके अंदर से आ रही। इसके अंदर कौन हो सकता है? इतना ही नहीं, उस बाहरी औरत को हमरी ही हवेली में एक गुप्त कमरे में छुपा करके रखा, हमरी ही नाक के नीचे हमारे बाप ने, या भूल गए का ये सब? हाँ